हेलो एवरीवन, आई एम आशा जोशी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का आठवां चैप्टर, वे दिन भी क्या दिन थे। ये एक विज्ञान कथा है और बड़ी मजेदार कथा है। आइए देखते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुमनी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखी। घटना जो थी महत्वपूर्ण थी, इम्पोर्टेंट घटना थी, तो जो कुमनी ने अपनी डायरी में लिखी हुई थी। अपनी डायरी में उसने 17 मई 1955 की रात को लिखा था ये सब। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। पुस्तक मतलब किताब, बुक। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी। तो उसके दादा ने बताया कि जब वो छोटे थे तब उनके जमाने की जो कहानियां थी वो सब कागज पर ही छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, पुस्तक मतलब किताब में जो पन्ने होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। मतलब हर कहानी छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के बाद पश्चात मतलब उदय बाद दूसरा पृष्ठ जो दूसरा पेज है उसे पलटकर आगे पढ़ना होता था। तो सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे। मतलब एक जगह जैसे हैं वैसे ही रहते थे, चलते नहीं थे अक्षर, जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं, आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती। मतलब आजकल जो हमारे पास जितना मटेरियल रहता हम सब पर्दे टीवी के पर्दे पर ही पढ़ लेते हैं और वो ऐसे ही रहती है, ना फटती हैं ना कुछ होती हैं, लेकिन पहले से ऐसा नहीं था। तो कुम्मी ने रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली, जो वो पुस्तक है वो पुस्तक तुम्हें कहाँ मिली। कुम्मी ने ऐसा रोहित से पूछा। तो रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे, उसमें से एक पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है, उसमें सब स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया। ये रोहित है और ये कुम्मी है। तो इसने कुम्मी ने प्रश्न किया उसके विषय में लिखने को है ही क्या, जो स्कूल के विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें बहुत सब याद करना होता है। तो पर्दे टेलीविजन के पर्दे के आगे बैठकर हमें याद करना होता है। जो वह मशीन हमें बताती है सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। जो सारा गृह कार्य है दूसरे दिन जो गृह कार्य हम कर चुके होते हैं उसे मशीन में डाल देना होता है। तो हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती भी है, जो हमारी गलत हो गए हैं जो चीजें वह हमारी गलतियों को बताकर फिर वह मशीन जो है हमें समझाती भी है। एक विषय पूरा होने पर वह मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। जैसे ही एक विषय पूरा होता है तो वह मशीन हमारी परीक्षा लेती है, हमारा एग्जाम होता है, फिर उसके बाद वह फिर पढ़ाना आरंभ कर देती है, फिर दोबारा से पढ़ाना हमें शुरू कर देती है। और कहते कहते कुम्मी थक गई थी, अंत में बोली कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो कुम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था, वो कह रही थी कि कितना नीरस मतलब अरुचिकर, उबाऊ से मतलब यहाँ पर अरुचिकर जो अच्छा नहीं लगता है, कितना नीरस होता है वो स्कूल का काम। तो रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। रोहित को हंसी आ रही थी और वह मुस्कुराते हुए उसकी बातों को सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। जैसे इसके पुस्तक में इस किताब में लिखा हुआ है, वर्णन मीन्स होता है उल्लेख या जिक्र करना, जैसा जिक्र इस किताब में किया गया है वह इससे भिन्न है मतलब अलग है, वह इससे डिफरेंट है। इसमें तो उन चीजों के उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे, सदियों पहले मतलब जो वर्षों पहले हुआ करते थे, उन स्कूलों का वर्णन है इसमें। तो
कुम्मी ने कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, मतलब वो कुछ जानने के लिए उत्सुक हुई। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे, फिर भी मशीन से बने अध्यापक कुछ ऐसा होता होगा, हाँ, ऐसा कुम्मी कहने लगी। कुम्मी को याद आया एक बार जब उसने भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी। भूगोल में, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होता है, भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के एक अध्यक्ष को, जो गली में, जो मोहल्ले में, घर के पास में जो अध्यक्ष था, उसे बताया कि तब वह आदमी आया था और उसने मशीन के पुर्जे 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 मतलब मशीन का हर एक भाग खोल कर देखा, पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, विनती कर रही थी कि ये मशीन ठीक नहीं होती तो अच्छा था, यह आदमी इसको ठीक नहीं कर पाता तो अच्छा था, क्योंकि कुम्मी उससे पढ़ने में उसे अच्छा नहीं लग रहा था, मशीन से पढ़ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती, अगर वह ठीक नहीं होता तो मुझे पढ़ाई से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की जो चक्की थी कुछ तेज रफ्तार पर थी, मतलब रफ्तार मतलब गति, उसकी जो चलने की गति थी वो थोड़ा तेज हो गई थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था, आपकी लड़की के लिए उसे समझना थोड़ा मुश्किल था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, मैंने उस मशीन की जो गति है अब थोड़ा सा उसे धीमी कर दिया है, सो आशा है अब ठीक हो जा रहेगा, मतलब मुझे ऐसी उम्मीद है कि वह अब ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा मशीन। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना था। सबक मीन्स होता है पाठ, तो कुम्मी को उसी समय भूगोल का जो पाठ था उसे सीखने के लिए बैठ जाना पड़ा। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही मतलब मन ही मन उसे बुरा भला कहने लगी कि इसने मशीन क्यों ठीक करी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा, तभी रोहित ने जो कुम्मी थी उसके सोचने के सिलसिले मतलब उसके सोचने के क्रम को तोड़ दिया और तोड़ा और बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। उस समय अध्यापक तो होते थे लेकिन स्त्रियां होती थी, मैडम और सर लोग होते थे, ऐसे मशीन नहीं होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? तो कुम्मी ने प्रश्न किया, क्यों नहीं, वह मशीन को सारे विषय समझाते थे, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, जो मशीन मशीन की तो नहीं थी लेकिन जो सर मैम थे वो सारे बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे, और जो अध्यापक थे वो बच्चों के घर नहीं जाते थे, ऐसे पढ़ाने के लिए घर घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते हैं, एक विशेष मतलब एक खास भवन होता था जहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे होकर जाते थे और उसे ही स्कूल कहते हैं, उसी भवन को स्कूल का दर्जा दिया जाता है। तो कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे जिसकी उम्र बराबर की हो, एक आयु के बच्चे जिसकी उम्र बराबर की हो वो एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, लेकिन मेरी माँ तो कहती है, उम्मी बता रही है कि मेरी माँ तो कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था, तो कैसे हो पाता होगा पुराने जमाने में ऐसा, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसा रोहित ने कहा। तो कुम्मी झट बोली, कुम्मी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं उसे पढ़ाना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे। उसने कहा कि पढ़ना चाहती हूँ, सॉरी पढ़ाना नहीं, पढ़ना चाहूंगी, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी तब स्कूल कैसे होते थे और अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी, उस पुस्तक को पढ़ के मुझे अजीब अजीब मतलब अनोखी अनोखी बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है, मतलब पाठ पढ़ने का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया और कुम्मी अपने घर की ओर चली गई।
अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार था, जो अगला पार्ट पढ़ना था तो मशीन अगले पार्ट को का जो था वो खुल के तैयार था। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई, मशीन की जो उससे आवाज आनी शुरू हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का जो होमवर्क है वो छेद में डालो। मशीन में एक विशेष प्रकार का छेद होता है जो उसमें होमवर्क डाल के और चेक हो जाता है। ये कुमनी जो है वो इस छेद के अंदर अपना होमवर्क डाल रही है इस मशीन में, वह चेक हो जाता है। तो कुमनी ने वैसा ही किया, वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वो पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे। तो कुमनी सोचने लगी कि कितने अच्छे होते होंगे ऐसे स्कूल जहाँ पर सारे बच्चे खेलते कूदते होंगे, स्कूल जाते होंगे, अच्छे भी होते हैं, वास्तव में अच्छे होते हैं। मशीन से वह परेशान भी हो चुकी है और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे कितनी, मतलब कितना अच्छा रहता होगा, जहाँ सर मैम पढ़ाते होंगे वो स्कूल कितने अच्छे होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया, इतने में वो सोच रही थी, इतने में ही मशीन से आवाज आनी शुरू हो गई और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए। जो पर्दे पर जो अक्षर थे जो और जो अंक थे वो आने शुरू हो गए। और कुमनी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो कुमनी पाठ तो खुला हुआ है अपना, लेकिन उसको वही स्कूल की बातें याद आ रही है, सर होते होंगे, मैम होते होंगे, खेलते कूदते होंगे, तो इस चीज से वो बहुत खुश है, आनंदित है। लेकिन मशीन वाली शिक्षा से वह ज्यादा खुश नहीं है। तो ये जो लेसन है वो आइजक असिमोव ने लिखा हुआ है। तो इसके जो प्रश्न अभ्यास हैं वो हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।